रासायनिक खाद की कीमतों को लेकर भाजपाइयों ने किया चक्का जाम। सहकारी समितियों में रासायनिक खाद की किल्लत को लेकर भाजपा जिला सूरजपुर के आह्वान पर भयाथान के सहकारी समिति के समीप भाजपा मंडल भयाथान के द्वारा चक्का जाम व धरना प्रदर्शन कर अनुविभागीय अधिकारी सागर सिंह को ज्ञापन सौंप कर सहकारी समितियों में अति शीघ्र रासायनिक खाद उपलब्ध कराने की मांग की। धरना प्रदर्शन को भाजपा नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों की कभी ही तैसी नहीं हो सकती। यह सरकार किसान विरोधी है, इसलिए तो सहकारी समितियों में खाद नहीं है और बाजार में दोगुने दाम पर रासायनिक खाद खरीदने के लिए किसान विवश है। धरना प्रदर्शन को सत्यनारायण सिंह, प्रकाश दुबे, बलराम सोनी और साहू मार्तंड साहू ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सुनील साहू ने किया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व किसान तहसीलदार ओपी सिंह, थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में पुलिस बल तैनात था। R9 भारत के लिए ब्यूरो चीफ इमरान अहमद, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। भाजपा जिला सूरजपुर के आह्वान में किसानों के समस्याओं को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सहकारी समिति भयाथान के सामने चक्का जाम और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया, क्योंकि अभी वर्तमान में किसी भी समिति में रासायनिक उर्वरक जैसे DAP इनको खाद उपलब्ध नहीं है। किसानों के द्वारा खेती के कार्य पूर्ण रूप से चालू हो चुका है। किसान खाद के लिए दर दर भटक रही है। अगर बाजार में जाती है उस कंडीशन में बहुत ही ऊंचे दामों पर उनको खाद उपलब्ध हो रहा है। जैसे DAP को जो भी लेना है उनको जस्ट 500-700 रुपए की प्रति बोरी उनको अधिक पैसा वहन करना पड़ रहा है। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष खाद का छत्तीसगढ़ को आवंटन ज़्यादा दिया गया, पर राज्य सरकार उक्त खाद को व्यापारियों को 70% खाद उपलब्ध कराया है और सहकारी समितियों को मात्र 30% ही खाद उपलब्ध करा पाई है। अगर सरकार अपने आप को किसान हितैषी मानती है तो चाहिए सरकार को तत्काल एक सप्ताह के अंदर किसानों को खाद उपलब्ध कराए, अन्यथा भाजपा के द्वारा आगे किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने के लिए बात होगी। धन्यवाद।